जन्मदिन मुबारक। Last one, no? Then I... हाउस ये एक्चुअली नाम भी मैंने सजेस्ट किया था और टॉडलर हाउस मेरे ख्याल से अच्छा एक माहौल है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे जैसे शहर बढ़ता गया साउथ बॉम्बे से लेके इस तरफ सबर्ब्स की तरफ, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल या नर्सरी की फैसिलिटीज़ इतनी सारी डेवलप नहीं हुई हैं। और जो यहाँ के हमारे पेरेंट्स हैं, जुहू, सेंटा क्रूज, अंधेरी, वर्सोवा के जो पेरेंट्स हैं, इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि छोटे बच्चों को एक अच्छे माहौल में एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ उनको एजुकेशन के लिए तैयार करें। अब कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे म्यूज़िक की भी फैसिलिटीज़ हैं, प्ले स्कूल है, कुछ डांस क्लासेस हैं, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। रुखसाना ईरानी जो ये कॉन्सेप्ट को लेके ये सब उन्होंने इतना बड़ा एक प्ले स्कूल खोला है, इन्होंने 23 साल तक अशोक एकेडमी करके एक सीनियर स्कूल है उसको पढ़ाया है। तकरीबन 500 बच्चे उनके हाथ से हर साल ग्रेजुएट हुए हैं। तो अभी उनका ये एक नया मन था कि एक नई चीज़ करें छोटे छोटे बच्चों के साथ। मेरे ख्याल से इसका बहुत अच्छी तरह से लेआउट भी बनाया है और इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ के पेरेंट्स मेरे ख्याल से ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि जितने मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, जैसे अजय देवगन हैं या संजय दत्त हैं जिनके बच्चे हैं सबर्ब्स में, वो हमेशा जब उनके बच्चे छोटे थे तो डिस्कशन यही होता था कि प्ले स्कूल कहाँ कौन सा यूथ सिलेक्ट करें, कहाँ पे उनको भेजें, कौन से स्कूल में डालें, कहाँ की शिक्षा अच्छी है, कहाँ के टीचर्स अच्छे हैं। तो आप देखेंगे ये जो एक्स स्टूडेंट्स आए हैं, अगर आप अपना कैमरा पैन करेंगे तो ये सारे लड़के लड़कियाँ इसी लेडी के साथ बड़े हुए हैं और अभी तो 8वीं 10वीं स्टैंडर्ड में हैं, लेकिन 4 या 5 साल की उम्र से इन्होंने उनको तालीम दी है। तो बहुत अच्छा अच्छा दिन है, ख़ास करके छोटे छोटे बच्चों को अगर अच्छी एनवायरनमेंट में शिक्षा दे तो उससे बेटर क्या हो सकता है। मैं किसी को बता रहा था अभी कि मेरे छोटे से जब पहला मेरा स्कूल था तो उसमें एक मेरी याद है कि मैं एक छोटे से घोड़े पे बैठ के स्कूल जाता था, तो सबको लगता था कि ये कौन सा किस किस्म का बच्चा है। एक छोटा पोनी था जो मेरे घर के नीचे से गुजरता था, उसको मैं चाराने देता था और मेरे स्कूल बैग और मुझे दोनों को वो स्कूल छोड़ता था सुबह 9 बजे। बहुत ख़ास मेमोरी है। मेरे ख्याल से टीचर्स जो होती हैं वो आपका पहला प्यार होती है, वो आपके माँ के बराबर होती हैं, आपके गर्लफ्रेंड के बराबर होती हैं। तो अच्छे टीचर्स का होना बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे स्कूल में बहुत बेहतरीन टीचर्स थे, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग मेरे स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। करण जौहर भी मेरे स्कूल के हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, बट एक दो और लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो ग्रीन लॉन स्कूल से पास आउट हुए थे। तो आई थिंक वही बात घूम फिर के वही आती है कि अगर टीचर अच्छे हों, माहौल अच्छा हो, तो बच्चे को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। सर, आपके हिसाब से अगले 5 सालों में जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसे आप कहाँ देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जो ट्रेंड अभी शुरू हुआ है या इस्टेब्लिश हो गया है वो ये है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं, दोनों को काम करने की ज़रूरत है, दोनों को काम करने की इच्छा है। तो जो एजुकेशन सिस्टम छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे उस तरफ बढ़ना चाहिए जहाँ पे दोनों पेरेंट्स को ये फ्रीडम हो कि वो बच्चे को जैसे विदेश के मुल्कों में होता है कि बच्चे को किसी अच्छी जगह छोड़ के, जैसे मेरे दफ्तर में एक लेडी काम करती है जिसकी छोटी बच्ची है,
तो वो 11:30 बजे ऑफिस आती है मेरे और फिर 5:30 बजे चली जाती है। तो एटलीस्ट उसको ये कॉन्फिडेंस है कि वो जो 5 घंटे या 6 घंटे अपने बच्चे के साथ नहीं होगी तो उसमें से 3-4 घंटे इस किस्म की किसी जगह में उस बच्चे की देखभाल होगी। मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि हमारा मुल्क उस तरफ बढ़ेगा, छोटे शहरों में भी और छोटे गाँवों में भी ऐसे ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आएगा कि आप जाके अपना काम कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे माँ को बच्चे के साथ रहना चाहिए। मेरी वाइफ भी काम करती है तो एटलीस्ट हम ये ढूंढते रहते हैं कि सुबह के 3-4 घंटे और शाम के 1-2 घंटे अगर बच्चा एंटरटेन हो जाए, ऑक्यूपाई हो जाए तो एक फ्रीडम मिल जाता है दोनों हस्बैंड और वाइफ को। जी, इस फिल्म का नाम है बादशाह और ये काफ़ी एक इलैबोरेट फिल्म है, काफ़ी बड़े स्केल पे बनेगी और इस वक्त उसके बारे में ज़्यादा कहना सही नहीं होगा। हमने फैसला किया है कि क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे कि इसकी हीरोइन कौन होगी, इसकी शूटिंग कहाँ होगी, इसकी कहानी क्या होगी, तो मैंने सबको बताया कि इस फिल्म में 3 चीज़ें हैं, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, और बाकी मेरे ख्याल से 1 महीने भर के बाद हम बताएंगे कि इसकी हीरोइन कौन होगी, बाकी कास्ट क्या होगी, म्यूज़िक किसका होगा। 7 अगस्त के आसपास इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और अगले साल ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। थैंक यू।